नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। पूछता है देश, इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान का जो हो सो हो, मगर यह भी सच है कि वो कोई रिकॉर्ड नहीं बना सका। पाकिस्तान का कोई भी पीएम 5 साल में सत्ता में नहीं रहा। इसमें सैनिक तानाशाही शामिल नहीं है। पाकिस्तान की धोखे से मिली आज़ादी के बाद 14 अगस्त 1947 को पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली की बिना 5 साल सत्ता में रहे हत्या कर दी थी। उसके बाद भी आज तक 75 वर्ष में इमरान खान को मिलाकर 22 प्रधानमंत्री बने, मगर एक भी 5 साल पूरे नहीं कर सका। सबसे कम समय रहने वाले पीएम थे नरूल अमीन, मात्र 13 दिन, 7/12/1971 से 20/12/1971। चौधरी शुजात हुसैन 57 दिन, 30/6/2004 से 26/8/2004। इब्राहिम इस्लाम चुनिंदर गिरी 60 दिन, 17/10/1957 से 16/12/1957। इमरान खान 18 अगस्त 2018 को पीएम बना और अभी 3 साल 222 दिन हुए हैं। 5 साल होने में बहुत देर है, मगर चल शुरू हो गई। भला इमरान खान पाकिस्तान में ऐसा रिकॉर्ड कैसे बना सकता है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले। आज इमरान को उसे हटाने में विदेशी साजिशें नजर आ रही हैं, जबकि वो ही नहीं, पूरा पाकिस्तान 75 साल से भारत में साजिश करता रहा और आतंक फैलाता रहा। भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान ने चीन और इस्लामिक देशों को भी शामिल किया है, मगर सफल नहीं हो सका। इमरान ही नहीं, अनेक पाकिस्तानी हुकुमरानों ने भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम किया है, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहे, मगर एक भी भारतीय मुसलमान को अपने मुल्क में रखने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के करीब करीब सभी शासकों को कर्मों के फल मिले हैं और उनकी दुर्गति हुई है। भारत के लिए गड्ढा खोद कर उसमें खुद ही गिरे हैं। आज शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो मिलकर बेशक सरकार बना लें, मगर सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ होकर कश्मीर पर जहर उगलना शुरू कर देंगे। इसलिए किसी भी पाकिस्तानी हुकुमरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे इमरान को चाहिए कि बाजवा नहीं मानता तो सिद्धू से कहें बाजवा को गले मिलकर कुछ समझा दे। फिर भी अगर बाजवा ना माने तो इमरान एटम छोड़ने की धमकी दे दे, कलेश ही खत्म। पूछता है भारत में अभी इतना ही। इसे लिखने वाले हैं वरिष्ठ लेखक सुभाष चंद्र जी। फिर मिलती हूँ, आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।